welcome back to the channel. ये है Boom Bhole Digital. मैं हूँ भावना. Thank you so much for clicking on this video and a big, big, big thank you to all those people who are endlessly working कि हमारे घर तक हमें essential services provide की जाए. तो उनको तो दिल से सलाम और आप लोगों को बहुत बड़ा thank you जो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनको राशन की जरूरत है, खाने की जरूरत है. Please keep doing the good work and having said that, this video is A to Z food challenge. जो भी मेरे घर पर इस वक्त मौजूद है, we will try to go in alphabetical order. So let's get started. So let's start A B C. पहले A, A for almonds. बहुत easy है, बहुत simple है. मैं हिमाचल से लाई थी. मैं हिमाचल प्रदेश से लाई थी. अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो बहुत ही मजेदार. हेल्दी शुरुआत. हालांकि इस वीडियो में कुछ भी पकाया नहीं जाएगा. कोशिश यही रहेगी कि जो अवेलेबल है चीजें, रॉ मटेरियल, उसी से काम चलाया जाए. सेकेंड अल्फाबेट है बी. बी से होता है बनाना, लेकिन उसका एक बेटर ऑप्शन है, मेरा फेवरेट बनाना चिप्स. एंड वी आर बैक एट द फ्रिज. सी से होता है, वैसे तो मेरे पास चॉकलेट भी है और मेरे पास केक भी है जो बेडी आंटी ने बनाया था. अगर आप लोग बेडी आंटी का चैनल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो द लॉस इज कम्प्लीटली योर्स. यस, मुझको अपने हर वीडियो में बेडी आंटी का चैनल प्लग करना पड़ता है, नहीं तो मुझको इतना डिलीशियस केक नहीं मिलेगा. डी से है डेट्स. लाइक आई सेड, मुझको फ्रिज खोल के खड़े रहना चाहिए यहाँ पर. डी फॉर डेट्स. Again back to the fridge for letter E, इलायची. वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझको तनिक भी पसंद नहीं है. इस वीडियो के लिए मैं खा रही हूँ. मुझको खाने में किसी भी तरह का गरम मसाला पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इलायची, आई डोंट लाइक लौंग, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स इन माय फूड एट ऑल. मैं फ्रिज में ही बैठ जाती हूँ. आ रही है हमारी किचन की एक्सपर्ट. आओ ठाकुर. कोई कुछ पता ही नहीं है ना घर में क्या किधर रखा है. आइए लो, अभी गिराना मत. एफ से है फेनल सीड. जो नहीं जानते हैं, इनको भी नहीं पता था. हम लोग इसको सौंफ ही बोलते आए हैं बचपन से आज तक. मतलब पता नहीं था कि सौंफ को कुछ और भी बोलते हैं. छोटी गाय रखी है. चीज एंड ग्रेप एंड गुड. आई एम लाइकिंग दिस चैलेंज सो फार एक्सेप्ट फॉर द इलायची. चाय पत्ती तो बाद में देखेंगे. सारे मसाले पी जाऊं क्या. ओ जी से घी भी होता है. यम्मी, आई फाउंड इट. जी के बाद एच फॉर हनी. इतना मीठा मैंने एक साथ नहीं खाया कभी. और इसके बाद आई है जी एच आई. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. द बेस्ट थिंग टू ईट विद आई इज आइसक्रीम. दैट्स माय चॉकलेट आइसक्रीम. बेडी आंटी मेरा पेट ना खराब हो जाए रैंडम चीज एक साथ खा खा के. मैंने नहीं बोला है खाने के लिए. हाँ, मैंने नहीं बोला है खाने के लिए.
अब फिर मेरे को जैगरी खाना है. ओह गॉड, हनी आइसक्रीम जैगरी. आई कुड हैव मेड अ बेटर लिस्ट. डैम, ये गुड जैगरी. Too much sweet is also not good for you, people. This challenge is not recommended. बेटी आंटी एक ही अल्फाबेट खा रही है कब से? मैं ग्रेप्स खा रही हूँ क्योंकि अच्छा वाला खा रही हूँ, गंदे वाले फेंकूंगी अभी. What about A to Z? A to Z I don't care. है? Only eating grapes. आप कब चैलेंज करोगे? मैं ऐसे फालतू चैलेंज नहीं करती. ये है K L M N की प्लेट. K for ककड़ी. ये करना बहुत जरूरी है गर्मी के मौसम में. ककड़ी या खीरा द बेस्ट. L for lemon. नीमुड़ा. वैसे तो इसका जूस बनाना चाहिए था, बट बहुत सारे अल्फाबेट्स बाकी हैं. M for my favorite mango. अब ये तो मैं पूरा खाने वाली हूँ ऑब्वियसली. आई खोई जो डाल क्या आज से आम खाने का मजा ही कुछ और. मेरे कपड़े खराब हो जाए. अच्छा हावड़ जैसे और कौन कौन खाता है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ. तब तक हाथ गंदे ना हो तब तक आम खाया नहीं आप. And that's how you eat a mango. M के बाद है N, नीम का पत्ता. अब हाथ धोएंगे और लेंगे ब्रेक. Okay, back to the kitchen. पूरा मैंगो खाने के बाद अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कुछ खाने की. गलती हो गई, पूरा नहीं खाना चाहिए था. हावरेट हूँ मैं, हावरेट. हाँ, M N तक हो गया है. अब है O, which is onion. O for onion. खाना पकाना नहीं आता बट छीलना सब आता है. अनियन तो सभी खाते हैं सैलेड में, कच्चा कोई बड़ी बात नहीं है. ओ हो गया पी से है पीस, विच इज मटर. फ्रोजन पीस. फगस फगस. बेटी आंटी ये क्या है? क्या है? क्या है? कुल्फी. कुल्फी की स्पेलिंग क्या है? क्यू यू पूछेगा. क्यू से भी होता है, के से भी होता है, कुल्फी दोनों से होता है. क्यू यू एल एफ आई. बहुत सारे लोगों को लगेगा कुल्फी सिर्फ के से होती है और ये चीटिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं है. आप गूगल पे चेक कर सकते हैं. क्यू यू एल एफ आई इज कुल्फी और मेरे घर पे बनी है. बड़ी आंटी ने बनाई है. बहुत ही बढ़िया कुल्फी. अब ये मैं पूरा खाऊंगी तो बाकी मेरा पेट फट जाएगा. नेक्स्ट इज लेटर आर. तो आर से होते हैं रेजिन्स और किशमिश. मैंने कहा तुम पागल हो गई हो क्या? अभी क्या आर आर खत्म हुआ. आर खत्म हुआ. आर से क्या करें? रेजिन्स
STUVWXYZ. मैंने इतना मीठा खा लिया, टेक्निकली आई थिंक ऐसे सॉल्ट खाना चाहिए या शुगर खाना चाहिए अभी टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन. पानी पीना चाहिए. ऐसे कौन सा पानी होता है, सोडा नहीं है मेरे घर पे. मीठे का ट्रेडिशन जारी रखते हैं. एस फॉर शुगर. अभी क्या करोगे, अभी टी खाने का है. टी अभी लेटर. तो जाके ब्लैक टी या ग्रीन टी पियो तो सब चीजें हजम हो जाए. चलिए टी फॉर टी. बेटे आंटी यू से क्या आता है? यूनिक. हाँ यूनिक चाय है. कोई भी चीज यूनिक. अनसॉल्टेड नट्स होता है. उड़द दाल होती है. उड़द दाल कच्ची खाओगी क्या? चिड़िया हूँ तो दही वड़े बनाओ. अभी बनाऊंगी दही वड़े. ए यू से उपमा होता है. उपमा. उपमा बनेगा नहीं अभी. जो लास्ट के बचे हुए अल्फाबेट्स हैं बहुत ही वाहियात है. जैसे कि आपने सुना यू से उड़द दाल होती है. बट आई डिडंट टेल मॉम बिफोर. अब ना तो मुझको उड़द दाल की दही बड़े बना के दे रही है ना ही उपमा. हालांकि उपमा डिश का नाम है. नॉट डजंट कम फॉर मी सो लाइक अ बर्ड. सिर्फ आप लोगों के लिए उड़द दाल. जो कच्ची नहीं खानी चाहिए. ड्राई जाके मैं कैविटी में अटक गई है कच्ची दाल. V is the next letter. This is vanilla essence. एक ड्रॉप ही पीऊंगी मैं क्योंकि वैसे तो ये सिर्फ केक्स और उसमें डाला जाता है. Thankfully, the next letter was W. Water. अब बाकी ये सिर्फ एक्स वाई जेड. एक्स से जिगुआ होता है विच इज वाटरमेलन इन चाइनीज. बट लॉकडाउन के चलते मैंने वाटरमेलन ऑर्डर तो किया था लेकिन आज नहीं पहुंचा. तो इस वीडियो में आई एम गोना स्किप द एक्स. बट अगर आप लोग चैलेंज करना चाहें तो रिमेम्बर एक्स से जिगुआ ही होता है और कुछ नहीं मिलेगा आपको. सो जिगुआ इज वाटरमेलन विच आई एम स्किपिंग फॉर नाउ बिकॉज घर पर नहीं है. फिर है वाई एंड जेड. या वाई से एक्चुअली याकुल्ट भी है. सो वाई से आई वॉज थिंकिंग योगर्ट बट याकुल्ट. ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. प्रोबायोटिक है. जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है या दूध से एलर्जी है. एलर्जी तो नहीं होती है. लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं जो लोग मस्ट ट्राई दिस. इट्स यम. फाइनली वी आर एट द लास्ट अल्फाबेट एंड आई कांट टेल यू मेरे पेट में कितना गुड़ 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 हो रहा है इस वक्त. जितना स्वीट मेरा ये जर्नी जा रहा था इट्स नॉट एंडिंग ऑन अ स्वीट नोट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज जेड से द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज जीरा. देयर यू गो. यही होता है जब आप 25 भलती चीजें एक के बाद एक खाते हो. बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन गाइस. आई होप आपको देखने में भी उतना ही मजा आया हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. इसके अलावा आप कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे लॉकडाउन चलते बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन ट्रैवल लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो डू राइट इन योर सजेशंस आपके सुझाव. एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू. बी सेफ. स्टे एट होम.